इस चेहरे को आपने जरूर देखा होगा, आईएएस ऑफिसर, यूट्यूबर और एक करोड़पति बोल ही सकते हैं। और उसके पीछे कारण, चलिए देखते हैं। दीपक रावत कमिश्नर है जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और ये आईएएस ऑफिसर है पार्ट टाइम, फुल टाइम यूट्यूब करते हैं ऐसा लोग कहते हैं, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इनका जो यूट्यूब चैनल है वो एक फैन पेज है, उसमें लिखा हुआ है, बट वो सोशल मीडिया मैनेजर द्वारा हैंडल करा जा रहा होगा, क्योंकि भाई इतना बड़ा चैनल को कोई फैन के द्वारा कैसे ही मैनेज करवाएगा। और इसी वजह से वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव का काम अच्छे से कर पा रहे हैं, उनको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है इसकी वजह से। खैर वो अलग बात है, मेन चीज ये है ये अपने यूट्यूब चैनल से कितना पैसा कमा रहे हैं और अपने आईएएस ऑफिसर का जो जॉब है उससे कितना पैसा कमा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग ये जानेंगे दोनों से मिला कितना पैसा कमा रहे हैं। और पैसा तो खैर वो बहुत ज्यादा कमा रहे होंगे वो अलग बात है, लेकिन हमें तो जोड़ के देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि दूसरों को पैसों को हिसाब करना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये अपने यूट्यूब चैनल से कितना पैसा कमाते हैं। तो यूट्यूब चैनल में इनका जो एवरेज वीडियो व्यू है वो आता है 10 लाख का, और मंथली 5 वीडियो डालते हैं, एक वीडियो में $430 का अप्रोक्सीमेटली अर्निंग होता होगा, तो 5 वीडियो का समझ लो 2150 मंथली का अर्निंग हो रहा है इंडियन रुपीज में 1,80,000 रुपए। और एज ए कमिश्नर इनको मिलता होगा 80 से 1 लाख रुपए, और अगर दोनों को जोड़ दे तो हो जाता है 2,80,000 रुपए, और इसका मतलब होता है 33 लाख LPA। और इन्हें करोड़पति बनने के लिए केवल तीन साल सेविंग करना होगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई 3 साल सेविंग कर देंगे तो डेली एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करेंगे, तो भाई डेली एक्सपेंसेस इनका कुछ नहीं होता है, एज आईएएस ऑफिसर सब कुछ गवर्नमेंट देती है, सब कुछ, घर का रेंट, फोन का रिचार्ज, यहाँ तक की गाड़ी का पेट्रोल, सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से। और ये आपको भी मिल सकता है, बस यूपीएससी क्रैक करना होगा।